जी एल ओ एफ ग्लॉफ ग्लाफ का फुलफॉर्म क्या है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड ग्लॉफ का फुल फॉर्म क्या है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड ग्लॉफ का फुल फॉर्म क्या है जी एल एल ओ एफ का फुलफॉर्म क्या है ग्लेशियल आउटबर्स्ट ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड सिक्किम विटनेस्ड ग्लॉफ ड्यू टू बस्टिंग ऑफ द सदर्न बैंक ऑफ साउथ लोहनक लेक तो देखो यहाँ पे लोहनक लेक साउथ लोहनक लेक कहाँ पे है सिक्किम में है और जिसके कारण से जो इसका जो सदन बैंक है ना वो फट गया मतलब बस्टिंग हो गई उसकी जी को आ, तो उसको जो बस्टिंग हो गया लेक का जो बस्टिंग हो गया उसको बोलते हैं ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड तो सिक्किम में फ्लड आया तो सिक्किम में क्या हुआ है फ्लड आया है तो सिक्किम विटनेस्ड ग्लॉफ ड्यू टू बस्टिंग ऑफ द सदर्न बैंक ऑफ साउथ लोहनक लेक तो ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है ये लेक कहाँ पे है सिक्किम में लोहनक लेक कहाँ पे है सिक्किम में है और इसका जो सदर्न बैंक है वो फट गया है जिसके कारण से ग्लॉफ आया है ग्लॉफ का फुल फॉर्म क्या होता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कॉजेज ऑफ सिक्किम फ्लैश फ्लड्स क्या क्या, क्या कारण है जिसके कारण से सिक्किम फ्लैश फ्लड्स हुआ पहला सिक्किम साउथ लोहनक लेक एक्सपीरियंस्ड एक्सेलरेटेड मेल्टिंग तो ये एक्सेलरेटेड मेल्टिंग को एक्सपीरियंस किया है ये जो लोहनक लेक है ये एक एक्सेलरेटेड मेल्टिंग को एक्सपीरियंस किया है उसका साउथ वाला पार्ट uh, सिक्किम का दूसरा जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड है इवेंट जैट इज़ ग्लॉफ इवेंट कंबाइंड विथ रेनफॉल ड्यू टू क्लाउड बर्स्ट अब देखो दोनों चीज़ हो गए एक तो लेक फट गया ऊपर से क्लाउड फट गया तो दोनों साथ एक साथ मिल करके बाढ़ बारिश भी हो गई और फिर ये भी आपका ये चीज़ हो गया है लेक फट गया है तो दोनों ही फट गए तो जिसके कारण से फ्लड आया फिर तीसरा रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम चुंगतांग डैम चुंगतांग डैम चुंगतांग डैम कहाँ पे है सिक्किम में है तो ये कौन से रिवर पे है तीस्ता रिवर पे है तो ये तीस्ता रिवर पे है तो जो वाटर है चुंगतंग डैम का वो उसका भी रिलीज हो गया तो तीनों एक साथ मतलब ऐसे भयंकर ये चीज़ हो गया जिसके कारण से सिक्किम का फ्लैश फ्लड हुआ है तो पहला क्या कारण है जो सिक्किम का साउथ लोनक लेक है वहाँ उसने एक्स एक्सलरेटेड मेल्टिंग को एक्सपीरियंस किया है दूसरा जो ग्लॉफ इवेंट है वो साथ ही साथ कंबाइन हो गया बस्ट के साथ में जिसके कारण से रेनफॉल हुआ भारी बारिश हुई और तीसरा कारण है कि जो चुंगतंग डैम है जो कि तीस्ता रिवर के ऊपर में है वहाँ से भी पानी छूट गया सो वहाँ से पानी छोड़ दिया तो जिसके कारण से फ्लैश फ्लड हो गया ग्लेशियर लेक्स आर लार्ज बॉडीज़ ऑफ वाटर दैट सिट इन फ्रंट ऑफ ऑन द टॉप ऑफ और बिनी मेल्टिंग ग्लेशियर तो ग्लेशियर लेक्स किसको बोलते हैं ग्लेशियर लेक्स वैसे लेक्स को बोलते हैं ग्लेशियर लेक्स किसको बोलते हैं लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर को बोलते हैं जो आ, कहां पे रहता है इन सिट इन फ्रंट ऑफ जो कि सामने में ऊपर में और बिनीथ अ मेल्टिंग ग्लेशियर बिनीथ अ मेल्टिंग ग्लेशियर तो इन फ्रंट ऑफ ऑन द टॉप ऑफ और बिनिथ अ मेल्टिंग ग्लेशियर ठीक है सो इन फ्रंट ऑफ ऑन द टॉप ऑफ एंड बिनिथ अ मेल्टिंग ग्लेशियर तो ये क्वेश्चन बना सकता है कि आ, पता नहीं कैसे पूछेगा लेकिन आपको पता होना चाहिए इन फ्रंट ऑफ़ है ऑन द टॉप है और बिनीत है इसके मेल्टिंग ग्लेशियर के तो लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर जो है वो अगर इन फ्रंट ऑफ़ हुआ ऑन द टॉप हुआ या फिर बिनीथ हुआ एक मेल्टिंग ग्लेशियर के तो वैसे लेक को हम ग्लेशियल लेक्स बोलेंगे सो ग्लॉफ इज़ अ सडन रिलीज ऑफ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर रिटेनड इन अ ग्लेशियर लेक इस्पेक्टिव ऑफ द कॉज तो इेस्पेक्टिव किस कारण से हुआ पता नहीं लेकिन जिस भी कारण से हुआ हो अगर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर एकदम पूरा बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अगर ग्लेशियर लेक से जो जो ग्लेशियर लेक में स्टोर्ड है वो अगर सडनली रिलीज कर देंगे ना तो वो फिर ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड को जन्म दे देगा सो ग्लॉफ क्या है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड सिक्किम विटनेस ग्लॉफ ड्यू टू बस्टिंग ऑफ द सदरन बैंक ऑफ साउथ लोहनक लेक कॉजेज ऑफ सिक्किम फ्लैश फ्लड्स क्या है सिक्किम सदर लोहनक लेक एक्सपीरियंसड एक्सेलरेटेड मेल्टिंग ग्लॉफ इवेंट कंबाइंड विथ रेनफॉल ड्यू टू क्लाउड बस्ट रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम चुंगतंग डैम विच इज ऑन तीस्ता रिवर ग्लेशियर लेक्स आर लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर दैट सिट इन फ्रंट ऑफ ऑन द टॉप ऑफ और बनीथा मेल्टिंग ग्लेशियर ग्लॉफ इज अ सडन Release of a significant amount of water retained in a glacial lake, irrespective of the cause. See you in the next video. Till then, bye.